हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं फॉर ऑटोमेशन और आज हम बात करेंगे डीसी ड्राइव के कंट्रोल लॉजिक के ऊपर। कंट्रोल लॉजिक का मतलब यह है कि उसको ऑन होने से पहले यानी कि स्टार्ट होने से पहले कितना कुछ कंट्रोल जो है वो जरूरी है, कितना इंटरलॉकिंग चाहिए रहता है, उसके ऊपर हम आज हम बात करेंगे कि वो स्टार्ट होने से पहले क्या क्या करता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे डीसी मोटर के बारे में आप जानते होंगे कि उसको कूलिंग करने के लिए अलग से एक ब्लोअर जो है वो लगा रहता है, जो कि एसी मोटर होता है। ठीक है, ब्लोअर वाला मोटर जो है वो एसी रहेगा, वो डीसी मोटर की कूलिंग के लिए यानी वाइंडिंग की कूलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, क्योंकि डीसी मोटर जब रुका हुआ रहता है फिर भी जो है फील्ड करंट जो है हमारा ऑन रहता है, जो कि फील्ड वाइंडिंग को गर्म करता रहता है। तो इस वाइंडिंग को बचाने के लिए ये ब्लोअर का हमेशा ऑन रहना जरूरी है, तब तक जब तक कि हमारा फील्ड करंट ऑन है। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से हम अपना लॉजिक भी बनाएंगे। ड्राइव के अंदर फंक्शन ब्लॉक होते हैं और उसका लॉजिक उसमें रहता है, वो क्या रहता है वो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां शुरू करते हैं। देखिए, यहां से हमने दो फेज दे दिया है। ये हमारा एक कॉन्टेक्टर है K2, जो कि फील्ड वाइंडिंग के लिए यूज किया गया है, यानी जब K2 ऑन होगा तो हमारा फील्ड एक्साइटर को AC सप्लाई मिल जाएगी और ये फील्ड का जो भी रेफरेंस आ रहा होगा, करंट रेफरेंस, उसके हिसाब से आउटपुट में डीसी करंट जो है वो क्रिएट करेगा वोल्टेज देके। ठीक है, तो ये हो गया फील्ड। इस कॉन्टेक्टर के साथ में ये देखिए एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट अटैच रहता है, जो कि हम इस ड्राइव को इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के थ्रू फीडबैक देते हैं कि ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। ठीक है ना, कैसे देते हैं, इसके एक साइड में ड्राइव का 24 वोल्ट दे देते हैं और दूसरा साइड ले जाके किसी डिजिटल इनपुट के टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये और ये तो हो गया फील्ड वाला। उसके बाद आर्मेचर का भी आप देख सकते हैं ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे हमने 3 फेज AC दिया है, ये कॉन्टेक्टर यूज किया है K3, इसके आगे ये लगा हुआ है फ्यूज, उसके बाद हमारा ये आ गया कन्वर्टर, इसके बाद ये हमारा आ गया आर्मेचर। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके कॉन्टेक्टर के साथ भी एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यहाँ पे रहता है, हमें रहना ही चाहिए ताकि हम उसको ड्राइव को फीडबैक दे सकें कि ये कॉन्ट्रेक्टर जो है वो ऑन हो गया। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्टर दोस्तों ड्राइव की सेफ्टी के लिए होता है, जब भी कोई फॉल्ट आए या ऐसी कोई कंडीशन आए, कोई इमरजेंसी मार दे कोई, ठीक है ना, जब ब्लोअर कुछ ट्रिप हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर तुरंत ड्रॉफ हो जाता है। ठीक है, ये ड्राइव की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, उसके अलावा ये तो सिंपल हमारा ब्लोअर के लिए हमने एक कॉन्ट्रेक्टर लगाया है K1, और इसके ऑक्सिलरी से भी एक फीडबैक हमने ड्राइव को दिया है। ठीक है, ये आगे MPC भी है, कभी कभी कॉन्टेक्टर नहीं भी रहता है, सीधा MPC भी रहता है जो कि कंटिन्यू ऑन रहता है। ठीक है, तो K1 होना जरूरी नहीं है, किसी ड्राइव में रहता है किसी ड्राइव में नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राइव पे 24 वोल्ट हमने कॉमन लिया है डिजिटल इनपुट का, और यहां से घुमा घुमा के कुछ डिजिटल इनपुट यहाँ पे मैंने 6 दिखा दिए हैं, एक दो और भी रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आउटपुट में ड्राइव के 4 आउटपुट दिखाए हैं। ये DO1 जो है वो K1 को ऑन करेगा, K1 हमारा MPCB का कॉन्टेक्टर है, DO2 से जो है वो K2 ऑन होगा जो कि फील्ड कॉन्टेक्टर है, और DO3 से हमारा K3 का, ये दोस्तों सर्कल जो दिख रहे हैं ये क्वाइल का सिंबल है। ठीक है ना, ये जो कॉन्टेक्टर यहाँ पे इसके पावर टर्मिनल तो यहाँ है, लेकिन इसका कॉइल जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब इसको कॉइल को सप्लाई मिलेगा तो ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है ना, K1, K2, K3 तीनों का ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके सीक्वेंस के ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों कि ड्राइव को ऑन होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, इमरजेंसी का इनपुट। इमरजेंसी अगर किसी ने मार रखी है तो आगे का कुछ भी सीक्वेंस होगा नहीं। ठीक है, अगर इमरजेंसी नॉर्मल है और ड्राइव में कोई भी फॉल्ट नहीं है तो ड्राइव सबसे पहले एक आउटपुट देके अपने ब्लोअर को ऑन करेगा। ठीक है, डीसी मोटर के ब्लोअर को ऑन करेगा, यानी कि अब मोटर में कूलिंग हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर अब मोटर में ड्राइव में कूलिंग स्टार्ट हो गई तो अब क्या करेगा, वो फील्ड को ऑन करेगा। ठीक, ब्लोअर ऑन हो गया, ब्लोअर का फीडबैक उसे मिल गया यहाँ पे DI2 के रूप में, उसके बाद क्या करेगा वो एक DO2 देके फील्ड कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करेगा। फील्ड ऑन हो गया, फील्ड ऑन होने के बाद फील्ड ऑन होने का फीडबैक लेगा इसके ऑक्सिलरी कॉन्ट्रेक्ट से, प्लस इसके अंदर जो करंट फ्लो होती है उस करंट का भी फीडबैक वो लेता है। ठीक है, यानी कि कॉन्टेक्टर ऑन करने के बाद इधर करंट आई कि नहीं आई, अगर करंट नहीं आई इसका मतलब एक्साइटेशन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, या वाइंडिंग ओपन है
या फील्ड के आउटपुट में अगर कोई फ्यूज लगा है तो वो फ्यूज उड़ गया है। तो ये कंट्रोलर ऑन होने के बाद, एक तो कंट्रोलर ऑन होने का फीडबैक चाहिए, उसके बाद इसकी सर्किट में करंट होने का फीडबैक भी चाहिए, ठीक है ना। तो फील्ड एक्साइटर यूनिट से उसको करंट का फीडबैक भी मिल जाता है। अगर नहीं मिला तो वो फील्ड करंट लॉस के ऊपर ट्रिप हो जाएगा, ठीक। अगर करंट मिल गया तो फील्ड हमारा ऑन रहेगा, ठीक है ना। फील्ड ऑन हो गया, उसके बाद दोस्तों क्या है कि अब यहां से उसको ऑन कमांड चाहिए, ठीक है ना। अब ड्राइव को आप ऑन का मतलब यह है कि इस कॉन्ट्रेक्टर को आप ऑन करना चाहते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट का मतलब यह है कि ड्राइव हमारा रन हो जाएगा, मोटर घूमना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑन और स्टार्ट दो चीजें हैं, तो आप इसको ठीक से समझ लीजिए। ऑन का मतलब सिर्फ कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा, ड्राइव जो है वो रन होने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप स्टार्ट कमांड देंगे वो रन होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो फील्ड कॉन्ट्रेक्टर ऑन होने के बाद जब आप ये ऑन कमांड देंगे तो वो क्या करेगा, अब इस पावर कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करेगा, ठीक है। इस पावर कॉन्ट्रेक्टर को ऑन होने के बाद क्या होगा दोस्तों, वो चेक करेगा कि ये फेज सीक्वेंस जो आपने दिया है RST ये सही है कि नहीं। आप उसके पैरामीटर में हम पहले से ही एक फेज सीक्वेंस डिफाइन करके रखते हैं कि हमारा जो फेज सीक्वेंस है वो RST है या RTS है, ठीक है ना। तो जो फेज सीक्वेंस आप उसको दे रहे हैं पैरामीटर में जो डाले हैं वही देना है। अगर आप गलत करेंगे तो वो फेज सीक्वेंस फॉल्ट के ऊपर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप होगा तो आप समझ जाएगी आपको फेज सीक्वेंस यहाँ पे उल्टा कर देना है कोई एक, ठीक है ना। कोई भी एक आप उल्टा कर देंगे तो वो फेज सीक्वेंस समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फेज सीक्वेंस बराबर होने के बाद वो चेक करेगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच हो रही है कि नहीं। जो 50 आपने 50 हर्ट्ज डाली थी वो मैच हो रही है कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि एसी ड्राइव में तो फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि डीसी में क्या है कि आगे जो है वो फायरिंग एंगल कंट्रोल होता है, तो उसमें फेज सीक्वेंस इधर उधर और फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारा हिसाब आगे का गड़बड़ हो जाएगा। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो फेज सीक्वेंस अगर गड़बड़ हुआ तो वो सिंक्रोनाइजेशन फॉल्ट के ऊपर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंक्रोनाइजेशन भी सही है, आपने सही फेज सीक्वेंस जो बताया था आपने वही दिया है, या इन तीनों में से कोई फ्यूज उड़ गया है तो भी वो सिंक्रोनाइजेशन फॉल्ट दे सकता है, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो ड्राइव आपका रेडी होने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अगर आप स्टार्ट कमांड देते हैं तो आपका स्पीड रेफरेंस के अकॉर्डिंग मोटर घूमना चालू हो जाएगा और फील्ड करंट और आर्मेचर करंट अपना जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा आज का वीडियो जो था वो खाली इसको ऑन ऑफ के ऊपर था, ठीक है ना। तो ये एफ वाला जो है वो फॉल्ट इंडिकेशन है, अगर ड्राइव में कुछ फॉल्ट आता है तो ये एक आउटपुट निकलेगा, आपको पता चलेगा कि इसमें फॉल्ट आया है। मैंने ये सारा इनपुट नहीं दिखाया, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप का भी रहेगा वो मैंने नहीं दिखाया है, आप समझ जाइए एक इनपुट आपको स्टॉप का भी देना है और इस सारे कॉन्ट्रेक्टर का फीडबैक उसको मिलना चाहिए। जो कॉन्ट्रेक्टर लग रहा है उसका फीडबैक उसको तुरंत चाहिए, और आप इसको बाईपास करके लिंक मार के नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि उसको जब वो ऑन कमांड यहां से आउटपुट देगा उसके बाद ही उसको फीडबैक चाहिए। अगर फीडबैक पहले से ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, आपने जैसे K2 ऑन नहीं किया और यहाँ पे आपने लिंक मार दिया, शॉर्ट कर दिया इसको, तो क्या होगा कि वो उसको रन नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो जब ड्राइव से जो है आउटपुट निकले उसके बाद ही इनपुट आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो एज सेंसिटिव सिग्नल होता है। एज सेंसिटिव का मतलब जब 0 से 1 हो तब उसको सेंस करेगा, कंटिन्यू 1 है तो उसको सेंस नहीं करेगा। कंटिन्यू 1 वाला जो सिग्नल होता है दोस्तों उसे कहते हैं लेवल सेंसिटिव सिग्नल, यानी कि वो सिर्फ लेवल देखता है, ठीक है ना, वो लेवल मेंटेन है तो वो समय इनपुट ले लेगा। लेकिन जो एज सेंसिटिव सिग्नल होता है उसमें उसको 0 से 1 या 1 से 0 होना जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसमें से जो है थोड़ा बहुत ड्राइव का सबसे पहले स्टार्टअप में यही आता है, इसके बाद में आगे पावर सर्किट की हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, देखते रहिए फॉर ऑटोमेशन। और आपके कोई सवाल है या आपका कोई सुझाव है जो आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका वेलकम है। और आपके यहाँ दोस्तों कैसा है वो उसके बारे में भी अगर मुझे थोड़ा बताएं, डिस्कस करेंगे तो सभी हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको फायदा मिलेगा। तो आपको जो कुछ भी आता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो सब जगह कुछ न कुछ अलग होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ क्या है वो आप जरूर बताएं। ये जो मैंने लिया है डायग्राम ये सारा ABB का है दोस्तों, ठीक है ना, ABB DCS 500 800 उसमें ऐसा सिक्वेंस रहता है। और किसी किसी में ये जो कॉन्ट्रेक्टर है दोस्तों ये सिर्फ इमरजेंसी का इंटरलॉक रहता है, बाकी और कुछ भी इंटरलॉकिंग नहीं रहती है, डायरेक्ट चलता है, ठीक है ना।
उसमें क्या करता है, वो अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ही उसको डिसेबल करता है, जैसे कि रैम जनरेटर, करंट कन्वर्टर या फील्ड कन्वर्टर को वो डिसेबल कर देगा। अगर इसमें से कुछ नहीं आया तो वो फंक्शन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही डिसेबल कर देगा, लेकिन यहाँ पे जो है हार्डवेयर के थ्रू है तो काफी सेफ्टी जो है वो रहती है, ठीक है ना।